अभी हमने ये लिया है स्कूटर यहाँ किराए पे, तो अभी हम यहाँ से पहाड़ वाली जो चढ़ाई है इसमें बहुत बड़ा। रिंकू को मिला है नया जॉब सेल्फी लेने का, क्योंकि लोग काम वगैरह कर लेते। भाई साहब गिर गया भाई, वहाँ पर चल गया, कर लो। हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी मस्त हूँ। और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार और छोटों को प्यार। तो भाई आज का ब्लॉग भी हमारा स्टार्ट हो रहा है ऋषिकेश से, ऋषिकेश मून लाइट, जहाँ हमने नाइट स्टे करा था कैंपिंग में। तो बहुत बढ़िया रही हमारी कैंपिंग यहाँ, और इतना बढ़िया वातावरण मिला यहाँ पर, बिल्कुल देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है। और रात में क्या तो यहाँ बारिश भी हो गई, हमने तो कपड़े डाले थे बाहर, हमने कहा सूखेंगे करके, लेकिन क्या और भीग गए हमारे कपड़े भी। और कल मैं आपको बता ही रहा था कि यहीं पर थोड़ा सा ऊपर फॉल है, और रात को लेट होने की वजह से हम लोग वहाँ भी नहीं जा पाए थे। तो अभी मॉर्निंग में हम लोग पहले वहाँ को भी जाएंगे, अभी फॉल देखेंगे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को भी करते हैं स्टार्ट। जय श्री राम, जय गंगा मैया। क्या कर रहे हैं बच्चे? हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिजू, तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास है। नींद भी आई नहीं रात को? अच्छा, मम्मी लोग कहाँ हैं? अरे वहाँ हो गया चाय पकौड़ी का इंतजाम, चलो फिर आता हूँ अभी। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टी के साथ है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा रहा है नाइट आपको? कैंपिंग नाइट कैसी लगी? बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। तो भाई अपने चाय वगैरह भी हो चुकी है, और वहां से जवाब आ गया है कि भाई नाश्ता भी बन चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। गौरव बिजू का आ बेटा, नाश्ता वगैरह कर लो फिर। तो अभी हम पहुंच रहे हैं नाश्ते के लिए, और नाश्ते में यहाँ पर बुफे सिस्टम है, देखते हैं आज हमारे नाश्ते में यहाँ क्या बनाया हुआ है। बाकी सब लोग यहाँ पहुंच चुके हैं नाश्ता करने के लिए। क्या है भाई नाश्ते में आज? आलू, ओ आलू की सब्जी, पूरी, अचार। तो ठीक है फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो फ्रेंड नाश्ता वगैरह भी हो ही चुका है, और अभी हमने ये लिया है स्कूटर यहाँ किराए पे। तो अभी हम यहाँ से पहाड़ वाली जो चढ़ाई है इसमें बहुत बढ़िया चलता है बल, तो अभी हम इससे जाएंगे और यहाँ का ट्रैक करेंगे वाटरफॉल तक का। तो अभी हम वाटरफॉल जाएंगे अपने स्कूटर से। अच्छा ठीक है, मिलते हैं आप सीधे वाटरफॉल में। तो भाई 200 मीटर का रन करने के बाद हालत खराब हो गई है, और हमें यहाँ पर वाटर फॉल मिला है। ये देखिए भाई कितना बेवकूफ बने हम यहाँ पर आके, ये है भाई वाटर फॉल। और अभी बता रहे हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाके जो दूसरा वाटरफॉल है, अभी हम लोग जो वहाँ से आ रहे थे उन लोगों से पूछा तो वो कह रहे थे वो जो बेस्ट है यहाँ से, और कहते मतलब पानी भी अच्छा है, फॉल भी अच्छा मतलब गिर रहा है। तो कह रहे लेकिन उन्होंने बताया कि भाई पैदल तो मत ही जाना, बहुत दूर है। तो मैं अब जा रहा हूँ और अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ, और गाड़ी में जाएंगे ऊपर को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गाड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह है, बता रहे थे ना। हाँ बोल रहे हैं, कह रहे पक्का। चलो फिर मैं चलो फिर मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, है मेरे पास, धीरे धीरे चलना। बैठो। तो भाई यहाँ पे तो कंफ्यूजन बहुत है, कहते जिससे भी पूछो कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहा है गाड़ी ले जाओ, कोई कह रहे हैं ना ले जाओ। और भाई अपना तो मूड ऐसे भी अब हो गया है, तो हमने अब कर दिया गाड़ी पैक, और अब जाते हैं सीधे पहले रूम पे, फिर उसके बाद बनाते हैं आगे का प्रोग्राम। सब सहमत है इस प्रोग्राम से? सबकी रजामंदी से ही हुआ है, सहमत है।
तो भाई फॉल ऑल तो कुछ नहीं मिला, इनने कहा इसी को फॉल बना लेते हैं। और कल रात जो है पूल का बारिश होने की वजह से ये भी सब पूरा गंदा हो चुका है यहाँ, और ये लोग अब यहीं पे नहाने लग गए। उन्होंने कहा नहा धो के चेंज वेंज करके ही जाते हैं आज को टेम्पो में। तो भाई यहाँ नहाने धोने के बाद हमने यहाँ से ले लिया है अब चेकआउट। इतनी सुंदर जगह है, वापिस जाने का मन तो नहीं कर रहा यहाँ से, लेकिन चलिए फिर आगे के सफर को भी करते हैं तय। अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। बाकी सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, चले भी नहीं को ड्राइव कर रहे हो। चलो तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं हम अभी ऋषिकेश राम झूला पे, लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा है और वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मी राम झूला पे और वहीं से हमने गाड़ी पार्क कर दी है, वहीं से हम पैदल जाएंगे। आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, आपको तो नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है लेकिन। तो ये है जहाँ पर राम झूला, उसके आगे है जानकी झूला। तो अब चलते हैं आगे के लिए। सबका झूला है, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, और अभी एक और बन रहा है बोल रहा है वो जो लक्ष्मण झूला है वहाँ वाला बन रहा है शीशे का ग्लास वाला पूरा पुल। हाँ चले भाई, राम सिंह का भी देखते हैं। हम नीचे को उतरेंगे राम झूला मार्ग और वो है सामने भाई राम झूला। ये देख बेटा राम झूला, बस अभी इसी में तो चढ़ना है हमने, अभी इसी में तो चढ़ेंगे यहाँ से। चलो फिर आओ। फ्रेंड पहुँच चुके हैं तीर्थनगरी ऋषिकेश। तो अब यहाँ से हमारा राम झूला की एंट्री है, तो चलते हैं राम झूला के अंदर। देखिए यहाँ पर राफ्टिंग भी हो रही है, ये सब राफ्टिंग करके आ रहे हैं वो देखिए दूर दूर से। तो यहाँ पर है 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर 23 किलोमीटर की राफ्टिंग है। तो अभी यहाँ से अभी थोड़ा सा यहाँ से 1 किलोमीटर का और नीचे का रन है इनका राफ्टिंग का। ये राफ्टिंग वाले यहाँ पर आ गए हैं, वो वहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है राफ्टिंग का। रिंकू को मिला है नया जॉब सेल्फी लेने का, क्योंकि लोग कहते हैं रिंकू वाली पोज भी बता देना जो तुमने अभी वहां से वहां पे ली थी ना, बड़ी बेस्ट आ रही थी वो। रिंकू को नया जॉब मिल गया, मौसम बढ़िया हो गया है। हाँ अभी अभी हुआ है बढ़िया मौसम, ठीक है मैं कहता फिर आपसे मिलता हूँ। क्या कह रहा है वो, क्या करना है यार? वो कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब वो 1 किलोमीटर ऊपर है और फोटो वोटो भेजी उनने, तो व्यू तो अच्छा आ रहा है। रिवर साइड है ना व्यू? रिवर साइड है और एडजस्ट करूँगा कह रहा फिर चारों को, कहते पांच मतलब वो कह रहा नहीं तो इतने बड़े रूम नहीं है कह रहे ना, एक है कह रहा वो नॉन एसी है। मैंने भाई भाई बिना एसी में तो नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं राम झूला में, तो अभी हम थोड़ा यहाँ मंदिर वगैरह जाते हैं और उसके बाद मैंने अभी होटल वगैरह के लिए भी बात कर ली है, उसके बाद हम होटल वगैरह देखेंगे। आज नाइट स्टे हम यहीं करेंगे ऋषिकेश में। और तक हमें बारिश की याद ही चल गई है, देखिए सब अस्त व्यस्त तो हो गई है, सब लोग भाग रहे हैं अपने अपने। हवा चल रही है इतनी तेज तेज और सब लोग अपने ठिकाने के लिए चल रहे हैं और हम भी देखते हैं कोई ठिकाना आ जाए। हमारी बारिश इतनी तेज थी कि सब लोग एक ही जगह पे एकत्रित हो गए थे, जिसको जहाँ पे जगह मिली वो वहीं पर रुक गया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप आश्रम के अंदर पूरा सब लोग बैठ चुके थे यहीं पर। अभी थोड़ा सा बारिश में हल्की हुई है, ठीक है बेटा बाय बाय। बारिश में ऐसे नहीं इसमें जाके ना जी में। तो अभी हल्की हल्की तो बाहर तो अभी हो ही नहीं यार बारिश, तो भाई अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमने तो नहाना ही है। तो हम जाते हैं वहाँ पर अपना चेंज वगैरह करके थोड़ा स्नान वगैरह कर लेते हैं।
चप्पल कैसी हो रही है? स्नान वगैरह कर लेते। चप्पल कैसी हो रही है? ओ भाई ये चप्पल ऐसी है, कंट्रोल कंट्रोल उतर गया। और उतरे नहीं थे यहाँ पर, देखिए पूरा टीन सेट लगा हुआ है यहाँ भी, और क्योंकि हमारा आते ही बारिश हो गई थी तो हम नीचे तक तो नहीं पहुँच पाए थे। तो यार यहाँ पर अभी सब लोग नहा ही रहे हैं, वैसे यहाँ पर स्नान वगैरह हो ही रहा है, तो अभी हम भी जाते हैं स्नान करने। आप निकल गए? अरे यार वहाँ पर ऐसे नीचे उतना बाहर चप्पलें इतनी गंदी है ना, ये वाली हाँ तो स्लिप हुआ नहीं, भड़बड़ भड़बड़ वीडियो भाई देखिए, ऐसी बारिश में भी वहाँ रिवर राफ्टिंग हो रही है। ये चप्पल इतनी फिसलने वाली चप्पल है ना, ये भाई गंगा जी में आ गए ऋषिकेश की, और भाई पानी इतना ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बर्फ के बाहर पानी भी बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है अंदर। तो अभी मैं और खाली बिज्जू नहा रहे हैं अभी, मतलब स्नान कर रहे हैं, और वन टू थ्री एक बार और वन टू थ्री हर हर गंगे हर हर। तो भाई गंगा स्नान भी हो चुका है और अब हम चल रहे हैं आगे, रूम वगैरह देखते हैं, और फिर जो है यहाँ की मार्केट वगैरह हम बाद में घूमेंगे अब, क्योंकि मौसम भी वैसे तो अब सही हो गया है, बारिश वगैरह आराम भी हो गई है। बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो यहाँ ऋषिकेश के फेमस है जो चोटी वाले, तो हमने कहा चलिए आज का भोजन हम यहीं करते हैं चोटी वालों के वहाँ, और यहाँ पर लोग सेल्फियाँ वगैरह भी ले रहे हैं चोटी वालों की। ये देखिए आप कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर चोटी वाले। अभी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर और देखते हैं यहाँ का क्या है सिस्टम और खाने का, और टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ का खाने का टेस्ट कैसा है। तो हम यहाँ पर अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ जो है मेनू कार्ड भाई गूगल से स्कैन कर रहा है, तो मेनू कार्ड हमारा मोबाइल में खुल जा रहा है इस तरीके से, है ना, कट कर दिया। तो हमने अभी ऑर्डर वगैरह भी दे दिया है, एक हमारा अभी डोसा आ भी चुका है, वन कह रही थी हम कहेंगे डोसा, तो कौन कह रहे डोसा आ गया है, और बिजी के लिए हमने मंगा रखा है वेज मंचूरियन प्लस राइस, और बाकी हमने अपने लिए कढ़ाई पनीर और रोटी वगैरह मंगा रखी है। डोसा बड़ा छोटा है यहाँ, डोसे का साइज बड़ा छोटा है यहाँ पर, टेस्टी और बहुत बढ़िया खाना है केजी वाली का। यहाँ पर अभी दो हो गए हैं, एक केजी वाले फर्स्ट जो है जो पुराने वाले हैं, और एक जो है जो नए हैं वो ये है, तो ये भी उन्हीं के भाई हैं वैसे, है सेम ही दोनों। तो चलिए फिर अब चलते हैं हम आगे के लिए। तो भाई वहाँ पर चलने के बाद कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं, जाने जिम भी दी थी तो मैं तो यहीं पर रुक गया, मैंने इनसे कहा भाई गाड़ी ले आओ, तो और ये लोग गाड़ी लेने गए हैं, ये लोग मेरे से आगे आगे चले गए थे गाड़ी, ओ हम मैं यहाँ हूँ मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। तो भाई अभी हमने चलते चलते सबने डिसाइड कर दिया है कि ये हमारा आज का नाइट स्टे जो है वो होगा हरिद्वार, तो क्योंकि हमने हरिद्वार से गंगा जल वगैरह भी नहीं लिया था, हमने कहा वापसी में ही लेंगे, और बाकी भाई वीडियो वो फोटो वगैरह अपलोड करिए तो लोगों के फोन भी आ गए, भाई हमारे लिए गंगा जल ले आना, हमारे लिए कहते गंगा माटी ले आना,
तो हमने कहा चलिए आज नाइट स्टे वहाँ करके सुबह अपना शॉपिंग वगैरह करके फिर निकलेंगे हम हल्द्वानी के लिए। तो और गौरी का बिल्कुल मन नहीं है, बोल कह रही है इनकी मम्मी घर जाने का। गौरी क्या है तुम्हारा मन फिर? अब कहाँ जाना है? अभी स्कूल नहीं जाना है तेरे को? स्कूल नहीं जाना होगा? नहीं नहीं ऐसी बात, और ट्यूशन नहीं जाना होगा, मुझे ऐसी लग रहा। ऐसी बात, अच्छा मेरे दो आउटफिट बचे हैं।